हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस तरह का लोगो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जो कि बिल्कुल आसानी से और इजी वे में आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में कि इस तरह के लोगो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और अगर आप बैनर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं तो आपको कभी कभी स्कूल के लोगों में इस तरह का लोगो बनाने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो मैं वही बताऊँगा कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं इसको क्रिएट करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं सर्कल वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ लीफ बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ। दोस्तों, सिंपली आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे F10 का टूल सेलेक्ट कर लेना है और इसको ऊपरी यानी कि बाहर की तरफ ले जाके इस तरह से ड्रैग करके छोड़ देना है। अब दोस्तों, आपको लीफ जितने में रखनी है उतने हिसाब से इसको सर्कल को रखिएगा, बाकी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल क्यू कर दूँगा यानी कर्व कर दूँगा, और फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इन दोनों नोड को सेलेक्ट करूँगा और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, तो इसमें और पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो मैं बाकी यहाँ पे दो पॉइंट को ऊपर से डिलीट करता हूँ, बाकी दो पॉइंट को नीचे से डिलीट करता हूँ। मैं इतने भी यहाँ पे रखता हूँ, बाकी इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो अब हमारे पास ये इस तरह से शेप क्रिएट हो गया, यानी कि इस तरह से एक सर्कल की हाफ लाइन क्रिएट हो गई। अब हमने इसी पर लीफ क्रिएट करना है। तो लीफ क्रिएट करने के लिए दोस्तों, एक सर्कल लेंगे कुछ इस तरह से, इन दोनों सर्कल को यहाँ पे हाफ कर लेंगे यानी इस तरह से, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटरसेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बाकी का यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे बीच में एक सर्कल आ जाएगा। तो इसको दोनों को डिलीट करेंगे, ये हमारे पहले एक शेप मिल जाएगा। अभी दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे, हल्का से इसको रोटेट कर लेंगे अराउंड इस तरह से, और इस पर कलर कर देते हैं हम ग्रीन, आउटलाइन कर देते हैं ऑफ, और इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल के साथ इसको इधर मूव कर देना, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास एक लीफ की तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है दोस्तों, और इसकी एक कॉपी करनी है शिफ्ट के साथ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ नीचे ले जाकर छोड़ देनी है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ब्लेंड का, ये देखिए ड्रॉप शैडो के नीचे ब्लेंड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास अभी इतनी लीफ क्रिएट हो गई। अब दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है दोस्तों, राइट क्लिक माउस का, और यहाँ पे इस नोड पे जैसे ही आएंगे, इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन शो होने लगेगा, जैसे ही एंकर पॉइंट शो, यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको फिट ब्लेंड टू पाथ, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए इस पर फिट हो जाएगा। अभी दोस्तों ये ठीक नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मोर ब्लेंड पाथ, इस पर आना है आपको इस चौथे ऑप्शन पर यानी पाँचवें ऑप्शन पर ब्लेंड अलॉन्ग फुट पाथ, इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। अभी दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज हम ऊपर वाली का छोटा कर लेंगे लीफ का कुछ इस तरह से, और फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे इस नोड के हिसाब से। तो देखिए इस पर नोड के हिसाब से मैंने इसको रोटेट कर लिया, और नीचे वाली को भी इस तरह से क्लिक करेंगे और इसको भी जब ये एंकर पॉइंट आ जाएगा तो इसको भी रोटेट कर लेंगे नोड के हिसाब से कुछ इस तरह से। और दोस्तों इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा अंदर की ओर इंटर करेंगे ताकि ये इस पर प्रॉपर इस पर आ जाए कुछ इस तरह से। दोस्तों अभी देखिए ये हमारा लीफ का यहाँ पे कुछ क्रिएट इस तरह से हो चुका है। अभी दोस्तों क्या करना है, इसका साइज़ और छोटा कर लेते हैं हम, और इसको अभी ये इस तरह से रोटेट हो रही है यानी कि साइज़ कम ज़्यादा, और तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए अब साइज़ इसका प्रॉपर कम्प्लीट हो गया। अभी दोस्तों इसको हल्का सा और छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इस वाली को यहाँ से बड़ा कर लेंगे हम साइज़ में इस तरह से, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका कलर कर देंगे दोस्तों लाइट कलर, इस कलर पे क्लिक करेंगे राइट तो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम इसका कलर चूज़ कर लेंगे लाइट कुछ इस तरह से, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर थोड़ा सा चूज़ कर लेंगे यहाँ से हम डार्क, तो देखिए हमारा ये लीफ यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप लीफ क्रिएट कर सकते हैं, और सिंपली अगर इस पर आपको कुछ और भी क्रिएट करना है, यानी कि जैसे कि फिर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ, और इस पर F10 जाता हूँ और इसका सर्कल कर देता हूँ हाफ कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे इतनी जगह पे केवल स्टार एक क्रिएट करना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा स्टार वाले पे, यहाँ पे एक स्टार यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा कंट्रोल के साथ, कलर फिल कर लूँगा रेड, आउटलाइन कर दूँगा ऑफ, और सिंपली यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ब्लेंड पर जाएंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। इसकी साइज़ यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 कुछ इस तरह से। अब इसको भी राइट क्लिक करेंगे इस तरह से, इसको भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव करेंगे और फिट ब्लेंड टू पाथ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आएंगे ब्लेंड
फुल पाथ पे क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ यहाँ से कम कर लेंगे, 2 कर लेंगे या 1 कर लेंगे, जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा। अभी क्या है, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इसको ऊपर का साइज़ यहाँ पर करता हूँ कम, और रोटेट के लिए मैं इसको करता हूँ रोटेट, तो ये तो अभी फिट है यहाँ पर। और इस वाले को भी मैं हल्का सा कर लेता हूँ रोटेट इस तरह से। तो दोस्तों इसमें आपको स्टार में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि रोटेट आप इसको किसी भी एंगल से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया यहाँ से रोटेट। अभी दोस्तों मैं इसकी आउटलाइन चाहो तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखिए एक स्टार का यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो चुकी है, आपको इसको जहाँ पर भी लगाना है आप इसको इस हिसाब से एडजस्ट करके अपना लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राफिक डिज़ाइन इन हिंदी। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आप अपना यहाँ पर सर्कल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप अपनी बुक वगैरह यानी कि जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पर लगा के एक अच्छा क्रिएटिव लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको बुक को लगा दिया, और यहाँ पे अपना कलर फिल कर दिया। यहाँ पे आप कोई फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं जो भी आपको लगानी है, और बाहर भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे बुक को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका कलर आप फिल कर सकते हैं लाइट कलर में। तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन करता हूँ, इसका कलर कर लेता हूँ मैं हल्का सा इस तरह से। दोस्तों ये एज अ कॉन्सेप्ट है कि आपको इस तरह का सर्कल क्रिएट करना और लीफ वगैरह क्रिएट करना आ जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राफिक डिज़ाइन।